हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वीवो के कोई भी मोबाइल में आप कॉल रिकॉर्डिंग कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सिंपली दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने मोबाइल का डायलर पैड ओपन कर लेना है। डायलर पैड ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर कोने में 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, सिंपली हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कॉल हिस्ट्री, सेटिंग्स, हेल्प एंड फीडबैक। तो दोस्तों, सिंपली हमें सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों, सिंपली हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड अननोन नंबर्स। तो दोस्तों, सिंपली हमें इसको ऑफ की जगह ऑन कर देना है। ऑन करने से क्या होगा दोस्तों, हमारी कोई भी रिकॉर्ड है ना अननोन वाली, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, डिलीट रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों, सिंपली हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 और ऑप्शन आ रहे हैं, आफ्टर 60 डेज, आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 30 डेज। यानी कि दोस्तों, हम इन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों, हमारी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों, सिंपली हमें यहाँ पर 30 डेज पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों, हमें कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों, क्या होगा, हमारी कोई भी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली 1 महीने के अंदर डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों, इतना कुछ करने के बाद आपको यहाँ से क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद दोस्तों, आपको बस कुछ नहीं करना है, कॉल लगाना है और दोस्तों, आपकी रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी कोई भी वीवो के मोबाइल के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।